सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल से। और ऐसे दोस्तों सवाल यह था कि आपको क्या लगता है अभी एप्पल अपने लॉन्च इवेंट में कितने आईफोन्स को लॉन्च करेगा। तो आप दोस्तों दिया है मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही जवाब कि भैया एप्पल लॉन्च करने वाला है 4 नए आईफोन्स को। तो ऐसे में मेरी तरफ से रिएक्शन ये है कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, मतलब सही जवाब दे दिया और बाकी तो अफसोस कि भैया अभी आप आगे नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐसे में सवाल आज का ये है कि सेल आने वाली है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, तो आप अभी ऐसे में दोनों में से किसको प्रेफर करने वाले हैं। मतलब कोई भी अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट हो बताना जरूर दोस्तों क्या है आपका पोल। सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में बस दबा डालिए सीधा लाइक बटन को। यहाँ दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेकर निकल के आता है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों ये ऐप स्टोर तो सामने आया था कुछ 300 ऐप्स के साथ में और फिलहाल अभी टारगेट ये है कि 2021 के क्वार्टर वन तक दोस्तों यहां पे 1 मिलियन एप्स जो है वो कंप्लीट करनी है। और ऐसे में दोस्तों सीधी टक्कर दी जाएगी गूगल के गूगल प्ले स्टोर को। तो आपको दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है, क्या ये टारगेट लगता है कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या मतलब पेटीएम और गूगल का जो पूरा सीन चल रहा है अभी आपको क्या लगता है कि आगे क्या नतीजा निकलेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग इंडिया में लॉन्च कर चुका है अपने ब्रांड न्यू गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन को। मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई गई हूं के लिए सबसे पहले, तो भी ऐसे में अगर आपने वीडियो मिस किया जाके देख लीजिए। और यहां पर दोस्तों ये जो फोन है आता है सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में, जहां पे है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैम सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगे अनबॉक्सिंग वीडियो में, बिल्कुल भी मिस मत करना। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है गूगल मैप्स की तरफ से। और यहां पर दोस्तों ये अभी आपको दिखाएगा मुंबई में जो COVID-19 की कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो मतलब आपको दोस्तों बेहतर आइडिया मिल पाएगा अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं कि आखिर कौन सा एरिया जो है उसको अभी तब्दील किया गया है कंटेनमेंट जोन में। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में उबर की तरफ से। और यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जहां दोस्तों उबर अभी फिलहाल इंडिया में अपनी फ्लीट में 1000 इलेक्ट्रिक कार्स को ऐड करने वाला है इंडिया में। तो यार ये एक अच्छी बात है, मतलब ये ऐसे में थोड़ा सा हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे और अभी ये फ्यूचर तो मतलब एनीवेज इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। वैसे मैं भी प्लान कर रहा हूँ यार कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह लेने का, मतलब थोड़ा सा पेट्रोल का खर्चा कम होगा और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा। लेट्स सी आगे खैर क्या होता है, मैं ऐसे हमर का वेट कर रहा हूँ जो आने वाला है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है PS5 के टीयर डाउन को लेके। और यहाँ पर दोस्तों आता है ऑफिशियल टीयर डाउन सोनी की तरफ से PS5 का, जहाँ पे मालूम चलता है कि जो कूलिंग मैकेनिज्म है दोस्तों वो इसके अंदर बहुत ही बड़ा है और इसी के साथ में दोस्तों जो SSD एक्सपेंशन बे है वो भी अवेलेबल है। और ऐसे में अपग्रेड करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होगा, अभी बस हम बस इंतजार कर रहे हैं। मुश्किल काम यह है कि भैया स्टॉक आउट हो चुका है सब जगह पे, सोल्ड आउट अवेलेबल है सिचुएशन। लेट्स सी PS5 कब हमारे हाथों में आता है और कब आपको उसकी अनबॉक्सिंग मिलती है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेके। और वहाँ पे पहुँच गया है पहला रेफ्रिजरेटर, मतलब अभी तक वहाँ पे रेफ्रिजरेटर ही नहीं था, अब दोस्तों पहुंचा है। तो वहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा सा खाने पीने में और उनको आसानी होगी। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से। ऐसे में दोस्तों पासवर्ड सिक्योरिटी जो है उसको थोड़ा सा और मजबूत कर रहा है गूगल अपने गूगल क्रोम के मोबाइल वर्जन पे। तो अगर दोस्तों आपके पास में iOS एंड्रॉइड कुछ भी है तो भैया आप लेटेस्ट अपडेट कर लो, क्योंकि हम सभी चाहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल in 200 रहे। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है अमेजोन फायर टीवी को लेके। और ये दोस्तों अभी इंडिया में लेके आ चुका है लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, तो मतलब आप सीधा लाइव टीवी चैनल जो है वो स्ट्रीम कर पाएंगे अगर आप यूज कर सकते हैं यहां पे Amazon Fire TV को, अब वो स्टिक हो या जो भी हो, मतलब अगर आप इसको यूज करते हैं। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Honor की तरफ से। और यहां पर दोस्तों दो स्मार्ट वॉचेस को इंडिया में लॉन्च किया है, Honor Watch ES और Honor Watch GS Pro, जो कि इनफैक्ट एक रगेड स्मार्ट वॉच है। मैं दोस्तों यहां पे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेके आई गई हूं। और इसमें जो रगेड स्मार्ट वॉच है उसके अंदर है 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ और डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसे सॉलिड सा फील होता है। इसका भी अगर आपने वीडियो मिस किया है तो जाके देख लो, उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। यहां पर दोस्तों अगला निकल के आता है क्वालकॉम और एसुस की तरफ से। और दोनों मिलके आपस में कुछ तो डील कर रहे हैं और लगता है ऐसा है कि क्वालकॉम अपना खुद का एक गेमिंग स्मार्टफोन लेके आ सकता है। मतलब क्वालकॉम को लगा कि यार प्रोसेसर तो हम बनाते ही हैं, अभी एसुस अच्छे गेमिंग फोन्स बनाता है, तो भैया क्यों ना करें टाई अप और क्यों ना हम कुछ खुद का गेमिंग स्मार्टफोन लेके आए।
और क्या पता दोस्तों ये आ सकता है स्नैपड्रैगन 875 के साथ में। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मन की बात है क्या, थोड़ा नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको वाकई में गेमिंग फोन के लिए मतलब ऐसे अंदर से एक्साइटमेंट आता है क्या, आपको लगता है कि नहीं यार फोन तो नॉर्मली ठीक है, मतलब क्या है आपकी दिल की बातें। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर, और अभी दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड और आईओएस में स्पॉट किया गया एक डेडिकेटेड बटन यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, मतलब फिलहाल अभी पूरा बीटा वगैरह में चल रहा है, बहुत जल्दी रोल आउट वगैरह भी हो जाएगा इंडिया में। क्या आप चाहते हैं वैसे कि मैं बीच बीच में कभी कभी टिकटॉक वाला स्लो मोशन वॉक नहीं है भाई, मतलब अगर आप चाहें दोस्तों तो मैं जैसे YouTube पे स्टोरीज बहुत पोस्ट करता हूं, तो क्या YouTube शॉर्ट्स भी अपलोड करें क्या कुछ कुछ मतलब बाइट्स ऐसी क्विक छोटी रिकॉर्डिंग्स, बताना जरूर आपके क्या है उच्च विचार। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है MediaTek के MT9602 को लेके, ये दोस्तों अभी एक नया जो है आया है सुसी MediaTek की तरफ से स्मार्ट टीवीज के लिए। यहां पे दोस्तों कुछ कुछ AI एनहांसमेंट्स भी हैं, और अभी ऐसे में Motorola का टीवी आने वाला है दोस्तों इंडिया में पूरा लाइनअप, उसमें हमको होता हुआ मिलेगा डेब्यू इसी MediaTek के नए सुसी का। यहां पे दोस्तों लास्ट निकल के आता है एयरटेल 5G को लेके, तो भैया ऐसे में दोस्तों एयरटेल ने जो अपनी डील है एरिक्सन के साथ में दोस्तों वो और अभी एक्सटेंड कर ली है, और अभी इंडिया में लगता है कि एयरटेल पूरी तैयारी कर चुका है 5G को लेके। रेस लगने वाली है जियो 5G की और एयरटेल 5G की, देखते हैं कि कौन पहले आता है, कौन हमको ज्यादा बेहतरीन प्लान देता है, ज्यादा अच्छी कवरेज किसकी होती है, और क्या होता है पूरा सीन 5G का। वैसे कुछ भी हो सकता है, क्या पता दोस्तों एयरटेल जीत जाए, क्या पता जियो जीत जाए, आपके मन की बातें क्या है, आप किसको प्रेफर करेंगे, मतलब धन धनाधन मिल जाए हमको या मिल जाए एयरटेल के अंदर कौन सा था वो एड, एयरटेल के तो खैर इतने एड्स आते हैं, वो चट्टानों में चले गए, पहाड़ों में और नदी किनारे और सब जगह पे नेटवर्क ही नेटवर्क, मतलब आपके मन की बात क्या है नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।